सो हेलो गाइस, दिस इज बॉय आराम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे यार रुद्रा भाई इतना सुबह सुबह कहाँ पहुँच गए। तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ भोपाल के 11 गेट। सो गाइस जो आपको ये दिख रहा है ना, ये भोपाल के 11 गेट है। मतलब दिखेगा कैसे यार, मैं तो उसके ऊपर ही खड़ा हूँ। जैसे गाइस ये आप देख सकते हो, ये भोपाल के पूरे 11 गेट है। एंड गाइस जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है ना, तो यहाँ से रिलीज होता है पानी, तो गाइस ये इस साइड की तरफ जाता है, तो उस साइड भी पूरा पानी पानी हो जाता है। एंड गाइस जो पीछे साइड है ना, इस साइड भी पूरा पानी पानी हो जाता है। तो गाइस आज अपना 11 गेट से बांधने का यही रीज़न था कि यार आज मैं अपने सब्सक्राइबर रिवील करने वाला हूँ। मतलब इतने अच्छे से नहीं बताऊँगा कि प्रॉपर तरीके से कि उसके काउंट ही बता दूं कि कितने हो गए। बट गाइज एक उसमें बताने वाला हूँ, छोटा सा हिंट देने वाला हूँ। गाइज टोटली मैं अभी अपने मतलब चैनल पे गाइज 74 या 75 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एंड गाइज उन वीडियो के बीच में कभी भी मैंने अपने सब्सक्राइबर रिवील नहीं करे कि यार मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, या मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से घट रहे हैं। तो यार कभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं की। तो यार अब सोचा कि यार बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तो थोड़ा अपने सब्सक्राइबर को भी बता दूँ मेरे कितने सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यार मैं रिवील करूँगा, अभी रिवील तो करूँगा नहीं गाइस इतनी जल्दी, क्योंकि यार इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए। हाँ गाइस, स्टार्टिंग में जब अच्छी वीडियो वायरल हुई थी मेरी, एक क्यूट गर्ल वाली वायरल हुई थी, रोडेज मंकी एक्सीडेंट वायरल हुआ था, तो गाइस बहुत तेज़ी से अपना चैनल मोनेटाइज हो गया था। एंड गाइस जो सब्सक्राइबर का लेवल थे ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। बट यार जो धीरे धीरे फिर जो थोड़ा थोड़ा चैनल डाउन होता गया, बिकॉज यार हर एक वीडियो का एक समय रहता है, एक मतलब एक वो रहता है कि गाइस उस वो वीडियो उस हद तक ही चलेगी, उसके बाद वो वीडियो आपको ना सब्सक्राइबर दे पाएगी ना वॉच आवर दे पाएगी। तो यार वैसा ही सेम सीन मेरे साथ था। तो उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर थोड़े स्लो स्लो बढ़ रहे थे। एंड गाइस अब भी मेरी क्यूट गर्ल वाली वीडियो गाइस फिर से चलने लगी है। गाइस डेली के वो अच्छे खासे व्यूज गेन कर रही है। एंड गाइस मुझसे उससे बहुत ज्यादा होप है कि गाइस वही वीडियो मेरे चैनल को अच्छी तरीके से वायरल कर सकती है। तो गाइस अपन भी उसी चीज का सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाँ यार थोड़ा वायरल में लग जाए। एंड गाइस एक यूट्यूब का फंडा मैं आप लोगों को बताऊं यार, वो आपकी वीडियो कभी भी वायरल कर सकता है, वो 5 महीने बाद भी वायरल कर सकता है, 6 महीने बाद भी वायरल कर सकता है। गाइज आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने अपने YouTube चैनल पे कोई कंटेंट अपलोड कर दिया तो फिर आप गाइज सोच रहे हो कि यार अभी इसको इस कंटेंट को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, समथिंग 5 से 6 मंथ हो गए, तो यार ये कंटेंट चलेगा नहीं। तो यार ये सबसे बड़ी एक आप लोगों की गलत फहमी है। गाइज जब भी YouTube वालों को चलाना होगा ना गाइज, वो आपका कभी भी कंटेंट चला देंगे, यानी वो वीडियो को 2-3 साल भी हो गए होंगे, यानी उनको उस वीडियो को चलाना है, उस वीडियो में रीच वगैरह देने, तो गाइज वो तो वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी। तो यार कभी ऐसा कुछ मत रखना। एंड गाइज जो न्यू यूट्यूबर रहते हैं, मुझे पता है कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जैसे कि मतलब उनने उससे अच्छे ब्लॉग बना लिए, तो गाइज वो जो प्रीवियस ब्लॉग रहते हैं ना वो डिलीट मार देते हैं। तो यार आप लोगों को नहीं पता हो तो गाइज मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार चैनल पे, रियली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। अपने चैनल की वीडियो डिलीट करने पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि गाइज जैसे अपन अपने जो चैनल रहता है यूट्यूब चैनल रहता है, अपन उस पर डेली मेहनत करते हैं, अपन उसमें कंटिन्यूसली ब्लॉग डालते हैं, डेली अपलोड करते हैं। एंड गाइज फिर अपन उसको धीरे धीरे हटाते हैं, रिलीज करते हैं, थोड़े थोड़े मतलब नीचे से वीडियो डिलीट करते हैं, जैसे अपन को लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा नहीं है तो अपन ने उसे डिलीट कर दी। तो यार गाइज बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और जो एक चैनल का अपना वेट हो जाता है ना गाइज, वो बहुत कम हो जाता है, उसके वजह से अपने रीचेस वगैरह भी कम हो जाते हैं। एंड गाइज इंप्रेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो यार वही बोलूँगा, कुछ भी करो, लेकिन यार अपने चैनल का जो डाटा रहता है, जो आप बना रहे हो, आप जो ब्लॉग बना रहे हो, आप जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हो, उसको मत डिलीट करो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। एंड गाइज इंप्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट मतलब कम होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं। हो रहा गाइज ये बोल रहा था, कभी भी ब्लॉग बनाना, कभी किसी का कॉपीराइट कंटेंट मत छुड़ाना, क्योंकि यार जब आप यानी आपके चैनल पे एक या दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो गाइज आपके चैनल पे पहली बात तो इंप्रेशन वगैरह यूट्यूब भेजना बंद कर देगा, क्योंकि यार यूट्यूब के नज़रों में फिर आप मतलब वैसा हो जाता ना कि फेक कंटेंट, मतलब इसका कोई फेयर कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट चुराता है इधर उधर से। तो गाइज फिर वो लोग रीच वगैरह इंप्रेशन वगैरह नहीं भेजते हैं। एंड गाइज कुछ टाइम बाद अपना चैनल ही फ्रीज हो जाता है। तो यार यही बोलूँगा, कभी भी कॉपीराइट कंटेंट मत यूज़ करो यार, अपना खुद का बनाओ, खुद के दम पे बनो यार, किसी दूसरे के दम पे मत बनो कि किसी की तुमने मीम डाल दी या तुमने किसी की पूरी वीडियो उठा के डाल दी। अब गाइज मेरे मतलब मेरी एक वीडियो डाली एक बंदे ने गैंग्स ऑफ फुकरे करके, गाइज उसके 27-28 के सब्सक्राइबर हैं। एंड गाइज मेरी वीडियो में उसके गए 30K व्यू, जो मेरी रोड रेज गर्ल वाली थी जब मेरी फाइट हुई थी। एंड गाइज मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए क्लेम भी करा है, बट यार इतने बड़े हम लोग क्रिएटर नहीं है ना, तो उन लोगों ने हमारी स्ट्राइक एक्सेप्ट नहीं की। एंड गाइज अभी तक गैंग ऑफ फुकरे, गाइज क्लियरली आप नाम सुन लो, गैंग ऑफ फुकरे चैनल पे अभी तक मेरी वीडियो चली हुई डली हुई है, रोड रेस गर्ल वाली। गाइज जब मेरी केरवा डैम में उन दो लड़कियों से लड़ाई हुई थी वाली वीडियो अभी तक उनने नहीं हटाई। एंड गाइज मैंने यूट्यूब को मेल भी करा था इसके रिलेटिव कि यार ये मेरा मतलब कॉपीराइट यूज़ कर रहा है, मेरा पूरी वीडियो गाइज 100% वीडियो यूज़ कर रहा है, इसने सिर्फ मेरा इंट्रो हटाया, हेलो गाइज दिस इज वाला, बाकी सब कुछ यूज़ कर रहा है। तो यार गाइज यूट्यूब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो अपन ने भी अब बोलना छोड़ दिया। ठीक है यार गाइज, मुझे पता है भी कोई अपन इतने बड़े क्रिएटर नहीं है जो अपने पीछे यूट्यूब इतना ज़्यादा एक्शन ले, तो ठीक है। तो यार बस कॉपीराइट कंटेंट मत यूज़ करो, यही बोलना चाहूँगा। और बाकी यार वही मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, तो गाइज अभी मेरे 10K के अंदर है सब्सक्राइबर, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग बाद में बोलो कि रुद्रा भाई आपने बताया नहीं। एंड गाइज अब बात रिवील की आ रही है,
तो गाइज अपन रिवील करेंगे कितने के पे राज। तो गाइज राज भी आया मेरे साथ, तो गाइज देखो राज का भी पाँव सही हो चुका है। तो गाइज ये राज आ रहा है, एंड गाइज अभी अपन लोग खड़े हैं 11 गेट पे। तो कितने कितने के पे अपन रिलीज करेंगे सब्सक्राइबर? 50 के पे करेंगे। तो गाइज राज भाई बोल रहे हैं 50 के पे करेंगे, और अभी अपने गाइज 10 के अंदर है सब्सक्राइबर, ज्यादा तो अपन बताएंगे नहीं। और गाइज इतनी डिटेल में भी बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि यार फिर बता देंगे तो फिर वो खुशी नहीं रह जाएगी ना गाइज, फिर वो खुशी नहीं रह जाएगी, मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद 50 के सब्सक्राइबर होंगे, उसके बाद आप लोगों को तो बेसी पता चल जाएगा 50 के होने वाले गाइज, एक साथ रिवील करेंगे सब्सक्राइबर और शो भी कर देंगे फिर चैनल पे, है ना। तो गाइज अभी हमारे 10K के अंदर है सब्सक्राइबर, ज़्यादा तो नहीं सिर्फ 10K के अंदर है, तो आप अनुमान लगा लेना कि मोनेटाइज चैनल के बाद मेरी कितनी सारी वीडियोज भी चली हैं अच्छी खासी, तो उसके हिसाब से कितने सब्सक्राइबर हो सकते हैं। एंड गाइज कमेंट सेक्शन पे बताना गाइज, जिसने भी कमेंट सेक्शन पे सही सब्सक्राइबर मेरे जितने उतने उसने लिख दिए, तो गाइज उसका मैं मैसेज लाइक कर दूंगा, समझ जाना कि हाँ उतने ही है। तो यार अब धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो गाइज आज हम लोग राज की गाड़ी से आए थे, तो गाइज ये गाड़ी खड़ी है राज की, क्योंकि यार मेरी गाड़ी आज भैया ले गया था, तो ये राज की गाड़ी खड़ी है। कहाँ खड़ी है भाई, गायब हो गई क्या? गाइज ये खड़ी है, नहीं तो आप बोलोगे ये पैदल आ गए। गाइज देखो ये खड़ी हुई है राज की गाड़ी, गाइज ये राज की गाड़ी खड़ी हुई है। एंड गाइज भैया मेरी गाड़ी ले गया था, तो इसलिए आज मैं गाड़ी नहीं लेके आ पाया था, तो राज की गाड़ी थी, तो मैंने बोला चल दे यार एक मिनट बताना है, क्योंकि यार 75 वीडियोस में एक भी कोई सिंगल वीडियो भी नहीं है जिसमें मैंने आपसे बहुत अच्छे से बात की हो या फिर कोई सब्सक्राइबर से रिलेटिव बात की हो। तो मैं भी सोच रहा था बहुत दिन से, तो गाइज आज मॉर्निंग में सोचा कि नहीं यार अच्छा खासा चैनल चल रहा है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, तो रिवील कर दिया जाए। तो इतना ओपनली रिवील तो नहीं करा है, लेकिन गाइज रिवील थोड़ा बहुत तो कर ही दिया है, 10K के अंदर अपने सब्सक्राइबर, अब सोच लो 10K के अंदर कितने भी हो सकते हैं। एंड गाइज बस वायरल होने का वेट है यार, जैसे वायरल होगी वीडियो वैसे 50K 1 लाख कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एंड गाइज प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, एंड गाइज वीडियो का एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, एंड गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए टाटा गुड बाय, एंड गाइज लव यू ऑल। और गाइज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट करना यार, कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे 10K के अंदर ही है इतना बता रहा हूँ बस, तो कमेंट करना जल्दी जल्दी आके, देखते हैं कौन सच बोलता है और कौन गलत बोलता है। गाइज जो सच बोलेगा उसका कमेंट सेक्शन पे मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।